बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज कलेजी बना रही हूँ। ये देखिए मैंने कलेजी ली है, इसमें मैं थोड़ा गर्म पानी डाल रही हूँ ताकि इसको जल्दी से उबाल आ जाए। सिरका है, विनीगर मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 1/4 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 1/4 कप विनीगर डाल दूँगी इसमें, और सिर्फ एक दफ़ा उबाल आएगा इसको। जब इसकी झाग ऊपर आ जाएगी तो हम इसका पानी निकाल लेंगे, और तब तक हम साथ में इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इसकी झाग ऊपर आ गई है, आपको नज़र आ रही होगी अच्छे से। ये देखिए सारी झाग नज़र आ रही है। ये जो हम कलेजी बनाते हैं जो झाग झाग सी होती है उसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस देखें इतना मैंने इसको उबाला, एक ही उबाल आया और झाग सारी ऊपर आ गई है। अब इसका पानी मैं गिरा दूँगी। मसाले के लिए मैंने 3 टोमेटोज लिए हैं एंड 2 अनियंस लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ, और मसालों में मैं डालूँगी ज़ीरा, दालचीनी, छोटी इलायची और बड़ी इलायची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर चलाएंगे और साथ ही डालूँगी 2 प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हम गुलाबी होने तक पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा लाल नहीं किया, ये देखिए प्याज पक गया है लेकिन इसको मैंने ज़्यादा सुरख नहीं किया। अब इसमें मैं डाल दूँगी 3 टोमेटोज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मसाला भूनने तक हम इसको पकाएंगे। इसमें गिर गया था, इसको मैं निकाल देती हूँ। और साथ ही इसमें मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ। इसमें है कड़ी पत्ता, मैं पहले से डालना भूल गई थी इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। ये मैंने ली है सुरख मिर्च है हसबे जायका, नमक हसबे जायका है, कड़ी पाउडर हसबे जायका, हल्दी ली है मैंने 1/2 टीस्पून और थोड़ा 1/4 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर, और ये है सूखा धनिया पाउडर है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें क्या डाल रही हूँ, मैं चना बना रही हूँ कलेजी, और ये झटपट बनने वाली कलेजी है। कलेजी को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था जैसे मैंने आपको बताया, तो कलेजी को बस 3-4 मिनट ही रखना है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना। और जो हमारा ये मसाला है इसे भी तेज़ आंच पे ही भूनना है, स्लो हीट पे नहीं करना। बस टमाटो का पानी खुश्क हो जाए तो हम इसमें डालेंगे, बस इसकी टमाटो की भुनाई कर लें, क्योंकि आपको पता है कि इसमें हमने वो नहीं डाला, क्या उसे कहते हैं उसको लहसुन, यस इसमें है ना, हमने लहसुन नहीं डाला, इसमें खाली अदरक ही डालेंगे। मिर्ची जल रही थी इसीलिए मैंने इसकी आंच थोड़ी सी आहिस्ता कर दी है, बस ये भूनने तक है, थोड़ा सा ये भून जाए फिर मैं इसको इसमें कलेजी डाल के 1-2 मिनट ही भूनूंगी और फिर इसको दम पे लगा देंगे इंशाल्लाह। मैं साथ साथ इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डालती जा रही हूँ भूनने के लिए। आज मेरा दिल कर रहा है इसमें मैं कुछ नई चीज़ ट्राई करूँ, एक अलग सी इंग्रेडिएंट्स, तो देखते हैं कि उसकी मैं ट्राई करूँगी और फिर आपको मैं ज़रूर बताऊँगी कि इसके साथ इसका जायका कैसा आया है। जी हाँ, ये है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मैंने लिए हैं 2 खाने के चम्मच। अब मैं इसको धो के फिर डालती हूँ मसाले में। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने मेथी धो ली, अब मैं इसको ऊपर पर से उठा के बड़े आराम से बिस्मिल्लाह इसमें निचोड़ लूँगी पानी इसका और उसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दैट्स इट, इसमें काफ़ी है, जल्दी से भून लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, इतना अच्छा ये देख भी रहा है।
ये देखिए कलेजी जो मैंने उबाली थी उस उबाल के इसको मैंने धो ली, इसके ऊपर जितनी कोई झाग वगैरह थी वो सब निकल गई है, सब थोड़ी देर के लिए उबाली थी। अब ये कलेजी मैं मसाले में डालने लगी हूँ। ये देखिए मसाला बहुत अच्छा भुन गया और उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। प्याज अगर नज़र आ रहे हैं तो वो कोई बात नहीं, मुझे प्याज खड़े ही रखने थे, बस टमाटर को भूनना था। अब मैं इसमें कलेजी ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या है कि हमारी कलेजी पहले ही भून के वो उबाल ली थी हमने, और इसको बस अब हम इसमें डाल के सिर्फ एक दो मिनट के लिए ही पकाएंगे और फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। ये देखिए हाई फ्लेम कर दूंगी अब मैं, हाई फ्लेम पे इसको भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आउटस्टैंडिंग कलेजी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें गार्निश करेंगे इसको अदरक और हरी मिर्चों से। ठीक है, और कमेंट आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको। ओके, हाफिज़।